So hello everyone and welcome back once again to the channel. So now 47-48 days are left for RBI Grade B Phase 1 examination, and people are asking this question again and again to the team that how they can cover GA in the given time. Is the given time enough to cover the required GA for the RBI Grade B examination? What are the sources that they should follow? How many months of current affairs they have to do? How they can revise, how they can retain, how they can recall? All these questions related to GA are coming to the team. So I have decided to discuss all these things in a video, right? So in this video, I'm going to tell you everything about all the aspects of GA, right? And after this video, you will not have any doubt regarding covering GA, okay? So let's talk about it. And again, as usually, I'll take your 10 to 15 minutes. उसके बाद अब अपने घर और मैं अपने घर, राइट? चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेस की. सो दैट इज द वेरी मेजर कॉज ऑफ कंसर्न अमंग ऑल ऑफ यू, दैट विच सोर्स वी हैव टू फॉलो फॉर कवरिंग जीए, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, दैट वेदर दैट इफ दे हैव टू कवर पीआईबी एंड आरबीआई 247 फॉर फेज 1 एंड इफ दे हैव टू कवर स्पॉटलाइट फॉर फेज 2. सो गाइज, यस, द आरबीआई ग्रेड बी जनरल अवेयरनेस जो मैं आज बात कर रहा हूं, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फेज 1, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2. पहली चीज तो ये है, राइट? एंड फॉर बोथ द फेजेस यू हैव टू कवर ऑल दीज थ्री सोर्सेज, स्पॉटलाइट, आरपीआईबी 247 एंड आरबीआई 247. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दीज डेज आरबीआई इज आस्किंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन, एंड फॉर दैट यू कैन नॉट रिलाय ओनली ऑन वन सोर्स, ठीक है? बिकॉज स्पॉटलाइट और आरपीआईबी 247 और आरबीआई 247 जो है, तीनों अलग अलग तरीके से कवर की जाती है, राइट? एंड ऑल द थ्री सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है? तो पहला डाउट जो कि ये है कि वेदर वी शुड कवर ऑल द थ्री फॉर फेज 1, यस. दूसरा डाउट, इफ वी हैव टू कवर ऑल द थ्री फॉर फेज 2, यस, यस. एंड अलॉन्ग विद दैट, ऑफकोर्स अलॉन्ग विद दीज थ्री, ऑफकोर्स यू हैव टू कवर, यू हैव टू बी इन द गवर्नमेंट स्कीम्स रिविजन सेशन विच आर being conducted by me. जो गवर्नमेंट स्कीम्स के रिविजन सेशन एवरी फ्राइडे हो रहे हैं, वो भी आपको अटेंड करने हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स इन फेज 1 एज वेल. पहले फेज 2 में तो पूछते ही थे, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स इन फेज 1 एज वेल. तो गवर्नमेंट स्कीम्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो गई है, एंड दैट्स वाई आई रिकमेंड यू टू अटेंड दीज सेशंस विद पेन एंड पेपर. बाकी जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके पास तो ऑलरेडी पीडीएफ है गवर्नमेंट स्कीम्स की, सो यू गाइस कैन रीड थ्रू दैट पीडीएफ, ठीक है? पहली चीज ये हो गई. अब इसी में एक चीज है जो कि पीपल आर डूइंग अ लॉट, दे आर फॉलोइंग मल्टीपल सोर्सेज टू कवर जनरल अवेयरनेस. प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज इन द गिवन टाइम, इन द गिवन 45-47 डेज जितने भी बचे हैं आपके पास, यू हैव लिमिटेड टाइम, सो यू कैन ओनली कवर द लिमिटेड सोर्सेज. तो अगर आप मल्टीपल सोर्सेज को कवर करने जाओगे ना, तो एंड अप होगा किस चीज पे कि यू विल नॉट बी एबल टू कवर अ सिंगल सोर्स एफिशिएंटली, राइट? वो सेइंग आपने सुनी होगी बहुत बार कि एक मूव को 10,000 टाइम प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू 10,000 मूव्स को एक बार प्रैक्टिस करना, राइट? तो ये बहुत बेसिक सी बात है, एवरीवन नोज दिस, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाई दिस, हम सब फेल हो जाते हैं. सो वी हैव टू अप्लाई इट, राइट? एंड दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु विल क्लियर द एग्जामिनेशन एंड द पर्सन हु विल नॉट, राइट? चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आइदर इट इज मी और एनी वन एल्स, हैव सम फेथ ऑन दैट टीचर कि ओके, ये टीचर जो है वो मेरे को अच्छा पढ़ा रहा है और मैं इसी का पढ़ के जाऊं. चाहे वो कोई भी हो, मैं हो सकता हूं या कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को ही फॉलो करो, मैं ही सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं, नो. ठीक है, आप किसी मर्जी को फॉलो करो, बट थोड़ा सा रेलेवेंसी उसकी देख लो कि वेदर दैट टीचर इज कवरिंग द कंटेंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन और नॉट, राइट? सिमिलरली आप में से कई लोग होंगे जो कि फॉलो कर रहे होंगे अफेयर्स क्लाउड की मंथली मैगजीन को, राइट? मेनी ऑफ यू मस्ट बी फॉलोइंग अफेयर्स क्लाउड मैगजीन फॉर फेज 1 करंट अफेयर्स. तो आप लोग कंटिन्यू रखो, प्लीज डोंट चेंज इट टू द स्पॉटलाइट. आई एम नॉट हेयर टू मार्केट द स्पॉटलाइट मैगजीन ऑफ आस, राइट? आई एम जस्ट हेयर टू एडवाइज यू इन अ राइट फॉर द राइट डायरेक्शन, ठीक है? तो इफ यू आर डूइंग इट अफेयर्स क्लाउड, देन यू शुड मूव अहेड विद द affairs cloud, but if you are doing it through the spotlight, then you should continue it with the spotlight. Don't run after the affairs cloud. All right, so please restrict your sources, please don't run after all the sources, because you cannot do everything. There is no person in this world who knows everything. Koi bhi duniya mein aisa insaan nahi hai jisko sab kuch aata hai.
और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, और आपको सब कुछ आना ही नहीं है, ठीक है। आपको आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि फेज वन की कट ऑफ निकल जाए, राइट। दैट मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव एंड फॉर दैट दीज थ्री सोर्सेज आर इनफ, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, सो मेनी पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन दीज डेज, कि अब बचे हुए टाइम में कितने महीने को करंट अफेयर्स हमें करना चाहिए। नाउ दिस वीडियो गाइज, रिमेंबर वन थिंग, दिस वीडियो इज फॉर ओनली दोज हु आर गिविंग द 2023 अटेम्प्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। इट इज नॉट फॉर दोज हु विल बी अपीयरिंग इन 24 एग्जामिनेशन, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट येस दोज गाइज कैन ऑल्सो सी दिस वीडियो, ताकि उनको एक अंदाजा लगे कि एटलीस्ट सोर्स क्या फॉलो करने हैं, रेस्ट्रिक्ट रखना है कहीं नहीं रखना है। अगर मैं मंथ्स की बात करूं, सो इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 47-48 डेज, आई वुड सजेस्ट यू टू कवर 4 months करंट अफेयर्स, 4 महीने का करंट अफेयर करके जाओ, इंक्लूडिंग स्पॉटलाइट, पीआईबी 247 एंड आरबीआई 247। बट हियर डू रिमेंबर वन थिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पीआईबी 247 फॉर 4 months, आई एम एक्सक्लूडिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट, बिकॉज इन गवर्नमेंट स्कीम्स दे कैन आस्क क्वेश्चन अप टू 1 year बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसको कैसे टैकल करें, तो दीज विल बी टैकल थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम सेशन विच आई एम टेकिंग एवरी फ्राइडे, ठीक है। तो वो वहां से टैकल होगा, बट 4 महीने का करंट अफेयर अभी करके जाओ, ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जाओ तो 6 महीने का। नाउ अब यहां पे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, लेट्स से 6 months बिफोर और 8 months बिफोर। सो इफ यू हैव कवर्ड द 8 months न्यूज बिफोर द एग्जामिनेशन, देन दैट इज वेल एंड गुड। प्लीज डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी, प्लीज डोंट चेंज योर प्लान टू जस्ट 4 months। दीज 4 months आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि इसी में से सारा हो जाएगा आपका, बट अगर आप करके जाओगे 4 महीने का, तो यू विल बी एबल टू मैनेज टू क्लियर दी कट ऑफ एटलीस्ट, एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेज वन, राइट। बिकॉज फेज वन मार्क्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट सेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट, फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो 4 महीने का करके जाओ, और मैक्सिमम हो तो 6 महीने का करके जाओ, दैट इज इनफ फॉर नाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिटेल्स। So the people these days are like this kid, इतना काफी नहीं है और चाहिए मेरे को। देखो भाई ऐसा है कि डिटेल आपको नहीं पता कि आपको कितने डिटेल में किसी भी न्यूज के जाना है, ठीक है, बट हमें पता है, या जो भी जिनसे भी आप पढ़ रहे हो उन्हें पता है। तो अगर आप उनको उनके ऊपर फेथ है, राइट, और अगर वो सही कंटेंट दे रहे हैं तो उनके ऊपर फेथ रखो, और जितनी डिटेल में वो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ के जाओ, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देखना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको चीजों को सिलेक्ट करना है कि ठीक है आई हैव टू कवर इट फ्रॉम दिस सोर्स, ठीक है। सोर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आई विल नॉट रिपीट इट। सो द डिटेल्स विच वी आर प्रोवाइडिंग इन आवर कंटेंट गाइस इज मोर देन इनफ फॉर द एग्जामिनेशन, उससे ज्यादा डिटेल में आप कवर कर भी नहीं पाओगे, राइट। बिकॉज इन द गिवन टाइम, इन द गिवन 47 डेज और 48 डेज, इन द लिमिटेड टाइम यू कैन डू ओनली लिमिटेड थिंग्स, एंड उसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू, वी हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर, एंड जो हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना कि कोई भी कंटेंट बिना प्रीवियस पेपर को एनालाइज करे नहीं बनाते, ठीक है, कोई भी, चाहे वो कुछ भी हो। सो सेम इज द केस विद करंट अफेयर्स, राइट। तो स्पॉटलाइट, पीआईबी और आरबीआई 247 में जितना भी डिटेल है उतना काफी है, उससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर द आरबीआई गेट बी एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ अगेन, अब मैं इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं लेता कि 80 में से 80 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से आ जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, बट इतना जरूर कहूंगा कि यस, अगर आप इन तीनों सोर्सेस को रिलीजियसली एंड होलिस्टिकली फॉलो करके जाओगे, कवर करोगे अच्छे से, तो यू गाइस डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर, मतलब इतना कर लोगे कि आपका कट ऑफ निकल जाए, राइट। ये हो गया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग for which everyone is confused, how to retain so much facts, how to revise everything, ये सारी चीजें जो है उसके बारे में let's discuss. तो first of all, rote learning. अब rote learning क्या है? रट्टा मारना, बिल्कुल आपको क्रैम करनी चीजें। What type of things are these? Now, if there are any numbers, let's say for example, we are talking about IMR. So you can understand what IMR is, but you cannot understand how much IMR India has in 2020. You cannot understand that. You have to remember it. You have to learn it. So such things you have to do through the rote learning. For example, in union budget, you can have a whole idea of union budget, but you cannot have an idea of
you know, the total outlay of any particular scheme, of any particular ministry, the total expenditure budget, these numbers you have to learn. The launcher of any government schemes, you have to learn it. The outlay of any government scheme, you have to learn it. You can have a whole idea of any particular government schemes, but do you think that you can have an understanding of launcher? It is not possible. You have to do it through the rote learning. You have to read it again and again, and that is the only way. Okay. Next is connecting the dots. This is very beautiful thing which I always used to do, and in fact I am doing it today for preparing for my content or the videos. ठीक है, मैं क्या करता हूँ? Whenever there is a news, let's say there is a news that World Bank has given X amount of loan to the government of Assam for Y project. Right, let's say for Y project, the government of the World Bank has given X amount of loan to the government of Assam. Now what I will do, in the previous 6 months or 8 months, whichever loan is being given by World Bank, I will revise, I will try to recall all those loans. Number one. Number two, what I will do, I will recall the name of who is the president of World Bank, where are the headquarters of World Bank, when it was established, the basic things about World Bank. Because these days what RBI is doing, RBI बहुत स्मार्ट हो चुका है आजकल. वो क्या कर रहे हैं? From the current affairs, they are picking up, you know, let's say World Bank news में है, तो वो World Bank से static question पूछ रहे हैं, right? They are asking static question from the World Bank. ठीक है? So this is how you can connect the dots. Let's say G20 की बहुत सारे अभी meetings हुई हैं. ठीक है? So whenever you see any news related to G20, try to recall all the meetings. And G20 meetings की सारी जितनी भी है मीटिंग्स हुई है उनकी एक कंपाइल करके मैं वीडियो बना दूंगा. सो डोंट यू वरी अबाउट दैट, बट उसमें भी थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़े. ठीक है? सो यू हैव टू कनेक्टिंग द डॉट्स. नाउ नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्टिव रिवीजन. यू हैव टू एक्टिवली रिवाइज एवरीथिंग. यू कैन नॉट डू लाइक कि टुडे आई हैव रेड 20 पेजेस ऑफ स्पॉटलाइट एंड दोस 20 पेजेस आई एम रीडिंग आफ्टर 1 month. तो इफ यू विल बी रीडिंग दोस 20 पेजेस अगेन आफ्टर 1 month, it will be zero for you. Wo tab tak zero ban chuka hoga, right? So what you have to do, what you can do, what I do is, let's say today I read 20 pages. I am reading 20 pages of Spotlight today. And when I will be reading next 20 pages of Spotlight tomorrow, then what will I do? Before going to the next 20 pages, I'll first read these 20 pages. Right? I'll first read these 20 pages. And doing this, after 4-5 days, what will happen? These first or second 20 pages will get imprinted on my mind. वो मेरे दिमाग में बिल्कुल छप चुका होगा, बिल्कुल. ये पहले 20 pages जो होंगे या दूसरे 20 pages होंगे. Right? So this is how you have to actively revise it. Again, क्योंकि इतना सारा current affairs है, इतनी सारी चीजें दिमाग में रखना, एक बार पढ़ के या दो बार पढ़ के is not possible. You have to study, you have to read one thing at least 4-5 times. Only then you'd be able to recall it, retain it during the examination. ठीक है? And last but not the least, short notes आप अपने लिए बना सकते हो. For example, in PIB 247, right? And in RBI 247 as well, and in Spotlight also, there are various things which have been provided to make you understand any particular news. ठीक है? But you all know that is not important for the examination. ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? उन चीजों का eliminate करके अपने लिए short notes बना सकते हो. And in those short notes, you can write those pointers which you have to learn. For example, launcher, outlay, ministry, ये सारी चीजें छोटी छोटी उसके अंदर लिख सकते हो, the factual things. ठीक है? तो you have to make short notes for yourself for last minute revision. अब मान लो कि आप एग्जाम से 4 दिन पहले पूरी मंथली मैगजीन थोड़ा ना उठाओगे आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. एंड शॉर्ट नोट्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड द PDF और उसी में छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. Alright, so these are the 4 ways through which you can revise the thing, and there is only one way actually to retain, recall and remember the current affairs, that is to revise. बार बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको याद होगा, उतना ही आपको ध्यान में रहेगा. Alright, and guys, the last question, is it enough? Now various people, so many of you are asking this question to me again and again. क्या इतना enough होगा? They actually वो मेरे से affirmation, confirmation चाहते हैं कि भाई मैं इतना करके जाऊंगा तो मेरा exam निकल जाएगा, नहीं तो कल को मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. भाई तो देखो, मेरी बात सुनो, please ऐसा मत करो मेरे साथ.
इस गरीब पे थोड़ी दया करो, राइट। मैं आपको कह रहा हूं कि यस इतना करके जाओ, होलिस्टिकली करके जाओ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स विच आई हैव प्रोड्यूस्ड, विच वी हैव प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 6 to 7 years, ठीक है। तो आप इतना करके जाओ, आपके लिए कामयाब, आपके लिए काम हो जाएगा, ठीक है। गारंटी अगर आप मेरे से मांगोगे कि लिख के दो वाइस टाइम पेपर पे कि मैं ये करके जाऊंगा और मेरा एग्जाम निकलेगा, वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, एंड नो वन कैन गिव यू गारंटी। इफ एनी वन इज गिविंग यू गारंटी, देन दैट पर्सन इज लाइंग टू यू, ठीक है जी। तो इट इज इनफ प्रोवाइडेड दैट यू आर स्टार्टिंग इट कॉम्प्रिहेंसिवली, यू आर रिवाइजिंग इट कंटिन्यूअसली, ओके। All right, guys. So that is it. And last thing which I want to discuss here, this is the time to play smart. This is the time to act smart. इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? Who is doing the most hard work in this world? You know, कौन करता है? गधा करता है. तब भी वो गधा कहलाता है ना? So it is not the time to do that गधा वाली मेहनत. It is the time to act smart and play smart. You have to realize, you have to make a strategy. इन दी गिवन टाइम में आप कैसे अपनी कट ऑफ निकाल सकते हो फेज वन की, राइट। और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको भी बताई है, जितना करने के लिए बोला है इतना करके जाओ, जीए में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। एंड जीए में अगर आपने बहुत अच्छे नंबर स्कोर करिए, डिपेंडिंग ऑन, अगर मैं आज के जो एग्जाम का कंटेक्स्ट है उसके कंटेक्स्ट में बात करूं, तो 80 में से अगर आपने 50 नंबर स्कोर कर लिए ना, जो कि आप कर सकते हो इतना करने के बाद, आपका एग्जाम निकल गया, उसके बाद बाकियों में आपको कुछ नहीं करना, सेक्शनल कट ऑफ से थोड़ा थोड़ा ऊपर ले आओगे, दैट्स इट, उतने में आपका काम हो जाएगा। तो इट इज इनफ प्रोवाइडेड दैट यू आर प्रिपेयरिंग इट रिलीजियसली एंड होलिस्टिकली, ठीक है। वो जो क्या बोलते हैं, मेरे कंधे पे रख के तीर मत चलाओ प्लीज, राइट। बिकॉज यू नो, मैं अगर मैं बोलना चाहूँ कि हाँ गारंटी है हो जाएगा, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, बट वो मैं, मेरे को नहीं पता ना कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है, तो how can I give you the guarantee? It can only be guaranteed if you are preparing the way which I am telling you. All right? Okay, guys. So that is it for this session. I hope the doubts related to GAR, cleared. Agar phir bhi, if you guys have any doubt, so you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. Aur milte hain is Friday ko government schemes revision ke saath, जिसमें हम कुछ और नई ताजी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड, प्लीज डू नॉट लूज आउट योर टाइम, इट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर, इट इज द राइट टाइम टू गिव योर 100%, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, एक्ट लाइक दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।